بسم الله الرحمن الرحيم साहब ने सवाल भेजा है। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक ने इमाम गजाली का हवाला दिया है, मैं इसके भी तशरीह करूँगा, वैसे भी करने वाला था, और ये जो खिताब होगा इसकी अलग से सीडी बनेगी यहाँ से, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक ऐसी कामयाब सीडी होंगी। मैं आपको एक बात ऐलान कर दूँ, कल आपने सीडियाँ ले गए तो इसको सिर्फ सीडी को तकरीर समझ के सुन के मत रखिए, बल्कि ये आपके बाद एक जवाबी दस्तावेज तैयार होगा, इसको हिफाजत से रखिए, जो आपकी आने वाली नस्लों के लिए काम आएगा इंशाल्लाह। आइए, मैं कुछ हदीस के हवाले से पहले तो ये बताऊं कि खुद अहदीस की किताबों में यजीद के बारे में क्या मामला आता है, ताकि ये बात पहले क्लियर हो जाए कि जाकिर नाइक जैसे बेवकूफ़ ने अगर यजीद का सपोर्ट किया है, या देवबंदी और अहले हदीस हजरात ये सब सपोर्ट करते हैं, तो ये पता नहीं हदीसें पढ़ते भी है कि नहीं पढ़ते हैं। चुनांचे सबसे पहले मैं मिशकात शरीफ है, ये मिशकात की जिल्द 3 है और सफ़ा नंबर 9, इसका बाप का नाम है किताबुल फितन, और यही हदीस अबू दाऊद के अंदर भी जिल्द 3 हदीस नंबर 839 किताबुल फितन में आई है। यह हदीस जो है हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला से रिवायत है, और मिशकात की हदीस नंबर 5158, बैठिए ना, क्या होगा, 5158 भी हदीस है। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि काला वल्लाही माइदरी अंसिया सहाबी अम तनासु वलिल्लाही मा तरका रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन काइद फितनतिन इला अन तनकदी दुनिया यबलगो मन माहु सलासा मियातिन फसाइदन इल्ला कद सम्माहु लना बिस्मिही व इस्मे अबीही व इस्मे कबीलतिही। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि खुदा की कसम, वलिल्लाही अल्लाह की कसम, मा इदरी मैं नहीं जानता, अंस या सहाबी कि मेरे असहाब, मेरे साथी, मेरे रसूलुल्लाह के सहाबी, अम तनासु कि इस बात को भूले बैठे हैं, या उन्होंने इस बात को वाकई भुला दिया है, क्या, वलिल्लाही मा तरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन काइद फितनतिन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर हमारे बीच खड़े हुए और आपने हर फितने के बानी का तस्करा फरमा दिया, जो भी फितने का बानी होगा, कोई फितना उससे ईजाद होगा और उसका वकायद होगा, तो नबी पाक ने दुनिया के ख़त्म होने तक, इला अंत तनकदी दुनिया के ख़त्म होने तक जितने फितने होते रहेंगे और आएंगे सबके बानियों के नाम बता दिए, और उनके साथ कितनी जमातें होंगी ये भी नबी पाक ने खबर दे दी। मन माहु सलासिन मियातिन, वो साहबी कहते हैं कि यहाँ तक के अगर किसी की तादाद 300 भी होंगी किसी कायद की फितना बर्पा करेंगे, और कम से कम 300 भी तादाद होंगी, तो अल्लाह के नबी ने उसका भी नाम बता दिया कि फला ज़माने में फला शख्स आएगा, वो ये फितना करेगा, उसके मानने वाले कम से कम इतनी तादाद में होंगे। फिर
کہ نبی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا الا قد سماہ لنا, یہاں تک کہ ہم نے سنا اور ہمیں بتایا گیا, لنا بے اسم ہی ان کے نام, و ابی ہی ان کے باپ کے نام, و اسم ہی قبیلت ہی کہ وہ کس قبیلے اور خاندان کے ہوں گے. نبی نے یہ بھی بتا دیا, نام بتا دیا, قبیلہ بتا دیا, باپ کا نام بتا دیا. بتائیے علم غیب کتنی بڑی دلیل ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا تو لازمی بات ہے کہ بھی یزید کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوں گا, تو ابھی بتایا وہ بھی بتا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آئیے, یہ ہے بخاری شریف, اس کی جلد 3 ہے, اور بخاری جو حدیث کی سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے, اس کا کتاب الفتن ہے اس کا بھی, اور اس کی حدیث نمبر ہے 1939. یہ حدیث روایت ہے حضرت سعید سے, وہ اپنے جو ہے حضرت سعید صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں, یہ غالباً تابعی ہے. کہتے ہیں کہ ان سعید بن عمرو بن سعید قال اخبرنی جدی, حضرت عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے خبر دی, یعنی حضرت سعید نے خبر دی. قال کنت جالسا مع ابو ہریرہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ ومعانا مروان. میرے والد کہتے ہیں, حضرت سعید کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو نبی کے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں, وہ مسجد نبوی میں مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں مروان بن حکم بھی بیٹھا ہوا تھا. قال ابو ہریرہ, ابو ہریرہ نے فرمایا سمیت الصادق المصدوق, تمام سچوں میں سب سے زیادہ سچے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ہلاکت امتی علی یدی غلمات من قریش. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں سے ہوں گی, قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھ سے میری امت کی جو ہے ہلاکت ہوں گی. فقال مروان, سعید کہتے ہیں کہ مروان نے جب سنا تو کہا لعنت اللہ علیہم غلمات, اللہ کی لعنت ہو ان لونڈوں پر. حالانکہ مروان خود بدبخت تھا, اس کا ذکر بھی آیا ہے. فقال ابو ہریرہ, اس کے بعد ابو ہریرہ نے فرمایا لو شیطان اقول بنی فلا بن فلا بن فلا فعلتہو, اے مروان سن, میں ان میں سے وہ جو لونڈے ہیں جو فتنہ برپا کریں گے قریش کے, میں ان میں سے سب کے نام جانتا ہوں, اور اگر میں چاہتا تو ان میں سے ایک ایک کا نام بتا دیتا, میں فلا کا بھی نام بتا سکتا, فلا میں جس میں ہر کسی کے نام بتا جانتا ہوں, اور اگر میں چاہتا تو اس میں سے ایک ایک کے نام بتا دیتا. یہ بخاری شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ جو قریش کے بارے میں کہ قریش کے کچھ لونڈے ہوں گے جو فتنہ برپا کریں گے, حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ نے بتایا اور اتنی تفصیل سے بتایا کہ نبی نے ان فتنہ پرور قریش کے لونڈوں کے نام بھی بتائے, اور ابو ہریرہ ان کے نام بھی جانتے تھے. اب وہ کون تھے کہ جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, اس کی تفصیل کے لیے اشد علامات شاہ عبدالحق مودودی دہلوی کی جلد 4 صفحہ نمبر 286 اور فتح الباری شرح بخاری میں ملا علی قاری جلد 3 صفحہ 8 پر لکھتے ہیں کہ قریش سے جو لونڈے ہیں, جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں سے ہے, ان لونڈوں میں یزید بھی داخل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آئیے اب ایک دوسری کتاب میں بتاؤں, البدایہ و النہایہ, اور اس کا صفحہ نمبر ہے 231 جلد 8 ہے, یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضو توضو تعوذ باللہ من سنات ستات ومن امارت السبیان امارت السبیان. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سن 60 ہجری اور سن 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو. صاف حدیثوں میں, اور یہ البدایہ و النہایہ کس کی کتاب ہے؟ ابن کثیر کی, جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے, اہل حدیث کے امام ہیں یہ, اور ذاکر نائک بھی اہل حدیث ہے, اپنے گھر کے ملاؤں کو انکار کر رہا ہے, یہ اس کے گھر کے مولوی ہے. یہ ابن کثیر اہل حدیث کے امام, ابن تیمیہ کے شاگرد ہے. ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 231 پہ روایت کیا
तवज्जु बिल्लाह मिन सनाती सनाती से तीन 60 हिजरी से पनाह मांगो, ये अल्लाह के नबी ने बोला से फरमाया। वमिन इमारत सबियान और लौंडों की हुकूमत से पनाह चाहो, लड़कों की हुकूमत से पनाह चाहो। अब ये लड़कों की हुकूमत कौन सी और ये 60 हिजरी क्या है, इसकी शरह में उलमा फरमाते कि 60 हिजरी में ही यजीद खलीफा हुआ। अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया कि 60 हिजरी से पनाह मांगो, इसका मतलब ये कि यजीद की हुकूमत, लौंडे की हुकूमत हुई थी, लौंडे में बन गया वो। और दूसरी चीज एक ये कि रिवायतों में शरह में लिखते हैं कि हजरत अबू हुरैरा हमेशा दुआ करते, रब्बे कायनात मुझे सन 60 हिजरी तक जिंदा ना रख। चुनांचे अबू हुरैरा की ये दुआ कबूल हुई और 60 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया। 60 हिजरी आपने देखा ही, इसलिए कि आपको मालूम था 60 हिजरी में क्या होने वाला है। अब आइए इसके बाद, यह है तारिकुल खुल्फा मेरे हाथ में इस वक्त, यह है हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुस्तनद किताबों में से है। तारिकुल खुल्फा के सफ़ा नंबर 305, इस पर हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत अबूदा इब्न जर्रा साहबी रसूल से हदीस नकल करते हैं। अन अबूदा قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يبدل سنتي رجل من بني اميه। اب میں بات کا ٹکڑا بھی پہلے اتنا ترجمہ کر کے بات کا ٹکڑا پڑھوں گا اور یہاں قربان جائیے اب رسول اللہ کے علم غیب پر اور ذاکر نائک کوئی حدیث سناؤ جاہل گوار کچھ یہ بھی پڑھ لیا کر صرف سب قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے صفحہ نمبر پیج نمبر اس سے سب کچھ نہیں ہو جاتا اور بھی کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے اسلام میں حضرت عبودہ ابن جرہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں عن ابو عبیدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یبدل سنتی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا سنتی رجلم تو وہ شخص کون ہوں گا من بنی امیہ وہ بنو امیہ کے قبیلے کا ہوں گا یقال له یزید اور اسے یزید کہا جائے گا نام کے ساتھ حدیث بیان کی گئی ہے اور یہ روایت کہاں کہاں ہے میں اس کے حاشیے کی عبارتیں پڑھ لوں جہاں تخریج کی گئی ہے السوائی کے محرکہ امام ابن حجر مکی نے اپنی صفحہ نمبر 219 پر بھی اس حدیث کو لکھا ہے اور یہی حدیث البدایہ ون نہایا جلد 8 صفحہ 231 پہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے ان کے ملا نے کہ اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں یقال له یزید اسے یزید کہا جائے گا اب اتنی ہونے کے بعد بھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کیسے بولتے ہیں آئیے ایک کتاب بتاؤں یہ بھی ان کے گھر کی ہے یہ حجت اللہ البالغہ بالغہ اس کی ہے یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے وقت کے محدث ہے اور ہم سے زیادہ یہ لوگ مانتے ہیں دیوبند کے لوگ اہل حدیث حضرات انہی کے گھر سے چھپی ہے چھپی کہاں سے مکتبہ تھانوی دیوبند سے تھانوی صاحب کے نام سے مکتب ہے یہ دیوبند سے چھپی ہے شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ اس کتاب کی جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 507 شاہ ولی اللہ فرماتے لکھتے ہیں ودعات الدلالی یزید بالشامی والمختار بالعراق ونحوی ذالک حضرت شاہ ولی اللہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ گمراہی کی طرف بلانے والے دو ہوئے ہیں گمراہی کی طرف بلانے والے دو شخص ہوئے ہیں ودعات الدالی گمراہیت کی طرف بلانے والے دو ہوئے ہیں اس میں ایک کون ہے یزید بشام پہلا ایک یزید تھا جو ملک شام کا رہنے والا تھا شاہ ولی اللہ کہے کہ گمراہیت کی طرف بلانے والا ہے اور ذاکر نائک صاحب کو یہ رحمت اللہ علیہ یہ رضی اللہ عنہ ہے تو انداز لگا لو کہ کون کس کا وفادار ہے اور دوسرا شاہ ولی اللہ فرماتے والمختار بالعراقی اور دوسرا جو ہے وہ مختار سخفی ہے جو عراق میں ہوا امام حسین کے قتل کے بدلے کے لیے اٹھا کہا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد عراق میں مختار سخفی اٹھا کہا میں امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا بدلہ لیا اس نے مارا سب کو شمرو کو مارا ان کو مارا اب مارنے کے بعد اس پہ خفت سوار ہو گیا میں نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کے بہت بڑا کام کیا چنانچہ معاذ اللہ اس نے کہا کہ مجھ پہ جبریل آتے وہی ہوتی ہے میں نبی بنایا گیا ہوں نبوت کا دعویٰ کر دیا اسی کی طرف شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ بالغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 507 پہ یہ بیان فرمایا اور اس کے بعد فرماتے ونحوی ذالک اور اس طرح اور بھی اشخاص لوگ آئے بعد میں جو جنہوں نے گمراہیت کی طرف بلایا
तो आप अंदाजा लगाइए कि इतने मुहद्दिसीन की मैंने रिवायतें बयान की कि जो कहते हैं कि यजीद फितना परवर था, नबी ने कहा 60 हिजरी से पना मांगो कि 60 हिजरी में फितने का बानी होऊंगा, और 60 हिजरी में कौन बना खलीफा, खिलाफत का किसने दावा किया, बादशाह था, खलीफा तो था नहीं, किसने खिलाफत का दावा किया, वो कौन था, यजीद। और हदीसों में साफ लफ्जों में नबी फरमा रहे युकाल लहु यजीद, उसका नाम यजीद होऊंगा। अब इतने होने के बाद भी अगर कोई कि नहीं यजीद तो रहमतुल्लाह अलैह, तो मैं कहता हूँ भाई ठीक है एक काम करते, चलो ज्यादा लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं, आप भी एक जलसा मुनक्किद करो, हम भी एक जलसा मुनक्किद करते हैं, दोनों एक जलसे में आ जाते हैं, मजमा पूरा खल मिला जुला हो, आपका भी मजमा हो, हमारा भी मजमा हो, हम सिर्फ एक बात कहेंगे परवरदिगार इमाम हुसैन हक पर है, हमारा हश्र हुसैन के साथ फरमा, तुम भी कहो रब्बे कायनात यजीद रहमतुल्लाह अलैह रदियल्लाहु अन्हु, हमारा हश्र यजीद के साथ फरमा, बात खत्म। और यार इतने यजीद के तरफदार हो, इतनी मोहब्बत है यजीद से कि उसको रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बोल रहे हो, तो साहब फिर जब वो इतना बड़ा वली है कि रहमतुल्लाह अलैह है माज अल्लाह, तो अपने किसी औलादों में तो अपने बच्चों का नाम यजीद क्यों नहीं रखते यार तुम, ताकि सबूत भी तो हो कि वाकई तुम उसको वली मानते हो, कि बस खाली पीली नाम ही में, बस सुन्नियों से लड़ने के लिए, बरेलियों से लड़ने के लिए। अब आइए मैं बताता हूं कि इनका हश्र कहां होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, किताब जी ये किताब है मेरे हाथ में इस वक्त। अब देखिए ये यजीद, अब मैं यहां से कुछ यजीदियों के नकाब से पर्दे उठाना हूं, यजीद के वफादार कितने हैं। चुनांचे ये किताब है मेरे हाथ में इस वक्त, कसीदा लिखा हुआ है इसके अंदर, ये महमूद अब्बासी की किताब खिलाफत और माविया, खिलाफत माविया और यजीद, सफा नंबर इसका 150 है, उस पर महमूद अब्बासी जो देवबंद से जिनका ताल्लुक था पाकिस्तान के थे, बड़ी रुसवाए जमाना किताब है ये, उसमें कसीदा, ये पूरी किताब इस बात पे लिखी गई थी कि इमाम हुसैन माज अल्लाह ना हक पर थे और यजीद हक पर था, उसमें पहले ये 150 सफ़े पर एक कसीदा एक साहब का छपा है जो देवबंद से जिनका ताल्लुक था, उनका नाम है सैयद मोहम्मद अनीस, कराची के रहने वाले थे। देखो बदबख्त ने यजीद की तारीफ में कसीदा लिख दिया, मगर ताज्जुब है यही सुननी, अगर नबी की तारीफ में नात लिखे तो बिदअत, इमाम हुसैन की तारीफ में मनकबत कहे तो बिदअत तो शिर्क, मगर इनके रहमतुल्लाह अलैह यजीद की तारीफ में कसीदा लिख रहे हैं। कहता है हर आन रहबरती हिदायत यजीद की, हर हर शेर में माज़अल्लाह बोलिए, हर आन रहबर थी हिदायत यजीद की, क्यों राशिदा ना होंगी खिलाफत यजीद की, हजरत हुसैन और अबू अय्यूब मुक्तदी है कितनी सरबुलंद इमामत यजीद की। पता नहीं हुसैन को कब इसने यजीद के पीछे नमाज पढ़ते हुए देख लिया, बोलता है कि इमाम जो है वो यजीद है और अबू अय्यूब अंसारी साहबी रसूल और इमाम हुसैन मुक्तदी बन के पीछे खड़े हुए हैं, कितनी बुलंद है इमामत यजीद की। फिर लिखता है शाहिद है आज तक अबू अय्यूब का मजार, ईसाइयों ने मानी शुजात यजीद की, मच्छर भी नहीं मारा, पूरी तारीख पढ़ के देख लीजिए आप। उलमा फरमाते कि सिर्फ एक जंग में शरीक रहा कुस्तुत दुनिया की, उसका भी अभी पोस्टमार्टम करूंगा, वो हदीस पर पूरा इनका दारो मदार है, उसी हदीस की रोटियां टुकड़े खा रहे हैं यजीद की वफादारी में, अभी उसका भी पोस्टमार्टम होगा इंशाल्लाह, भूल जाऊं तो याद दिला देना। एक ही जंग में, और उस जंग में भी वो क्या करता रहा, कभी भी तलवार पकड़ के मैदान जंग में भी नहीं गया, खैमों में सोता रहा, और अमीर माविया ने जबरदस्ती भेजा था जा कम से कम गाजी का तुक्का तो लगेगा तुझे, तो ये पता नहीं इसको कौन सी शुजात मिल गई, मच्छर नहीं मारा जिस यजीद ने। तो बोलता है कि शाहिद है आज तक अबू अय्यूब का मजार, ईसाइयों ने मानी शुजात यजीद की, क्या मसलहत थी पूछिए इब्ने हुसैन से, तस्लीम है जिसने तस्लीम की जिसने खिलाफत यजीद की। अब इमाम हुसैन ने जब यजीद की खिलाफत तस्लीम की तो ये जंग करबला है किस चीज का नाम, फिर जहालत पूरे वाकयात को। अब मुझे इस पर पढ़ने के बाद ताज्जुब नहीं हुआ, जो लोग बुखारी में तहरीफ करने से बाज ना आए, इमाम बुखारी की अब सही को सही ये करने बैठे आए, तो ये कब बेचारे वाकया करबला को छोड़ेंगे, उसको भी बदल दिया। कहते पसमानदगान है करबला की मुश्किलात में, पसमानदगान यानी जो इमाम हुसैन के खानदान के लोग लुट पीट गए थे, उनकी मुश्किलात में थी बाई से सुकून इनायत यजीद की, जिस वक्त नाम आ गया इब्ने हुसैन का वैसे ही याद आई सकावत यजीद की। पता नहीं कौन से खजाने इनको दे दिया, हाँ कुफ्र शिर्क के दिया हुआ इनको खजाने, वहीं से लिया है। लाजिम थी मोमिनों पे कुरान से पूछिए,
अब ये कितना कुफरिया शेर है, तकलीद करो तो शिर्क, इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हो तो शिर्क, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल की तकलीद करो तो शिर्क, इमाम शाफी की तकलीद करो तो शिर्क। तालिबुर रहमान है इनका, एक सऊदिया का वहां का आलिम पाकिस्तान का, उसकी एक वीडियो कैसेट है, उसमें बोलता है तकलीद करना शिर्क है बोले, और मेराज रब्बानी बोलता है तकलीद करना हराम है, इनका तकलीद हराम और शिर्क। मगर अब मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ सुनिए, लाजिम थी मोमिनों पे कुरान से पूछिए अल्लाह के नबी की इताअत और इताअत यजीद की। देख रहे हैं यजीद की इताअत इनका वाजिब थी क्या? पहले भी और हादसाए करबला के बाद जैनब को थी पसंद रिफाकत हुसैन यजीद की। माशाल्लाह सुमा रिफाकत कहते हैं साथ, कितनी बड़ी तोहमत बांधे, क्या बोलूं यार, खून खोलता है अंदर से। वो जैनब जो इमाम हुसैन की मुकद्दस बहन, अली की मुकद्दस बेटी, उसको यजीद जैसा खबीस पसंद आता, माशाल्लाह कितनी बड़ी तोहमत है यार ये। पहले भी और हादसाए करबला के बाद भी, पहले भी यानी करबला के हादसा से पहले भी और हादसाए करबला के बाद जैनब को थी पसंद और रिफाकत यजीद की। खुशकी के सह सवार, खुशकी के सह सवार, शह सवार कहते घोड़ा दौड़ाने वाला, पता नहीं खच्चर पे भी बैठा था कि नहीं कभी जिंदगी में, जिंदगी उसकी शराब नोशी में गुजरी, बड़े बड़े इमामों ने लिखा, मगर ये पता नहीं ख्वाबों में देखते थे कि यजीद अपने अब्बा को पता नहीं अल्लाह जाने। खुशकी के शह सवार समुंदर के ताजदार, नाकाबिले बयां जहानत यजीद की। मानो ना मानो मगर दुनिया ने मान ली, तुम्हारे मानने से दुनिया मान लेगी। मानो ना मानो तुम मगर दुनिया ने मान ली दानिश माविया की खिलाफत यजीद की। और तस्लीम की है मुत्तफिका तौर से अनीस, अहले अरबो अजम ने सियादत यजीद की। सियादत कहते हैं सरदारी, पता नहीं कौन से अरबो अजम ने इसकी सियादत पसंद कर ली सरदारी। ये है साहब कसीदे इनकी शान में। अब आइए और एक चीज सुना देता हूँ मैं आपको, ये है अशरफ अली थानवी साहब की किताब, चार जिल्दों में छपती है, इसका नाम है मलफूजात हकीमुल उम्मत, मुसम्मा बिही अल इफादातुल यौमिया मिन अल इफादातुल कौमिया, इतना लंबा चौड़ा नाम। ये बड़े वफादार लोग हैं यजीद के जी। देखो अभी ये किताब मॉनिटर पे भी दिखेंगी, और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो मैं बोल रहा हूँ स्कैन कर करके ये सीडी जब आपके हाथ आएंगी तो ये इबारतें आपको अपने मॉनिटरों पे नजर आएंगी, स्कैन करके हम सब इसमें मिक्स करके डाल देंगे। मैं अभी सिर्फ यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि ये शुबा ना रहे कि हमने पढ़ा क्या और आपने सुना क्या। ये है अशरफ अली थानवी साहब की किताब अल इफादातुल यौमिया। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी इनसे कोई बात हो तो बोलना चादर पे, गागर पे, फूल पे, पत्ती पे बाद में बात करेंगे, पहले इन पे बात करो, हमारा तुमसे इख्तलाफ इन बातों पर है। मलफूजात की जिल्द है चार, चौथी जिल्द है ये, आखिरी जिल्द, चार जिल्दों में ही मिलती है। जिल्द चार किस्त नंबर 5 सफा नंबर 472 और मलफूज नंबर है 890, मलफूज नंबर 890। थानवी साहब लिखते हैं कि एक शख्स ने मुझसे पूछा यजीद पर लानत करना कैसा है। मैंने कहा जिस शख्स को यकीन के साथ साबित हो जाए कि हम यजीद से अच्छे हैं उसको जायज है। समझ रहे आप, लानत करना यजीद पर या यजीद को बुरा भला कहना किसको जायज है? जिसको यह यकीन हो कि मैं यजीद से अच्छी मौत में मरूंगा। अरे हर सुन्नी मरेगा, तो क्या हम हुसैन के वफादार है? कातिल अहले बैत हम तो हो ही नहीं सकते। अब आगे सुनिए, थानवी साहब की बात है ये भाई, हकीमुल उम्मत है, मरीज उम्मत बोलता हूँ मैं इनको। आला हजरत ने बहुत कोशिश की इनका इलाज करने की, आला हजरत नहीं कर पाए इनका इलाज जी। अब सुनिए, तो कहते हैं कि मैंने कहा कि जिस शख्स को यकीन के साथ साबित हो जाए कि हम यजीद से अच्छे हैं उसको जायज है, और ये यकीन मरने के बाद हो सकता है, तो फिर कब्र में बैठे बैठे यही वजीफा रखना लानत बर यजीद, लानत बर यजीद, लानत बर यजीद। बाकी यहां तो अभी अपनी कश्ती डामाडोल है, थानवी साहब की होंगी डामाडोल, हमारी नहीं है भैया। हम तो हुसैन की मोहब्बत पे शफात की उम्मीद रखते हैं, हमारी नहीं है कश्ती डामाडोल। अरे हमारा इमाम तो बोल चुका अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असाबे हुजूर, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हमारा तो बेड़ा पार है, हमारा इमाम हमको बशारत दे चुका, तुम्हारी हो सकती कश्ती डामाडोल। इसलिए किसी ने इनसे पूछा था थानवी साहब ने, अशरफुल
किताब का नाम है कमालात अशरफिया, उसमें कमाल कर दिया अशरफ अली थानवी साहब ने इनकी हरकत। कभी दिखाऊंगा वो आएगा मौका तो, सब किताबें इनके पूरे चिट्टे पिट्टे रखता हूँ मैं, इसलिए कभी भी आप कोई तकलीफ दे तो सीधा मेरे घर लाना। चलो बोलना वही है आपका सब खजाना जी। कमालात अशरफिया में थानवी साहब से किसी ने पूछा बरेलियों के पीछे हमारी नमाज होंगी कि नहीं होंगी, तो कहा हो जाएंगी, वो हमें काफिर कहते हैं, हम उनको काफिर नहीं कहते। इसी पे अल्लामा अशरफुल कादरी कहा करते थे, मियाँ तुम तो वो हो, तुम हम तो तुम्हारे इमाम हैं, तो हमारा तो जन्नत में जाना यकीनी है। इसी मलफूज में, इसी किताब में, ये अभी मैंने दिखाया 136 अंडरलाइन किया हुआ है, इसी मलफूज में आगे दूसरे अंदाज में इसी बात को लिखा। अब ये है जिल नंबर, जिल पंजुम किस्त 2 और सफा नंबर 216। और एक बात बोलूँ, ये सीडी में रिकॉर्ड हो जा रहा है, अगर एक भी हवाला गलत हो जाए तो 1,00,000 रुपए देने नगद का इनाम कर, एक भी हवाला अगर कोई गलत साबित कर दे। और मैं तो ये कहूंगा, ये तो सिर्फ बोलने के लिए है ताकि बात में वजन पैदा हो, आपको तो ये चाहिए कि बगैर किसी लालच के आप सिर्फ अपनी आखिरत सुधारने के लिए आइए और हवाले चेक कर दीजिए। 1,00,000 कोई मायने नहीं रखते भाई, आखिरत रखते, थानवी की मोहब्बत काम नहीं आएंगी। मैं देवबंदियों से कह रहा हूँ, मैं नहीं कह, थानवी की मोहब्बत काम नहीं आएंगी। जिसका ये अकीदा हो कि वो खुद बोल रहा हो कि मेरा खुद मामला डामाडोल है, ऐसे के पीछे चल रहे हो यार। मलफूज नंबर 181 है, अब इसकी जिल पंजुम किस्त नंबर 2 सफा नंबर 216। थानवी साहब अब इसी बात को दूसरे अंदाज में दूसरी जगह लिखते हैं, कहते एक शख्स ने मुझसे पूछा यजीद पर लानत करना कैसा है। मैंने कहा कि यजीद पर लानत करना ऐसे शख्स को जायज़ है जिसको ये यकीन हो कि मैं यजीद से बदतर होकर ना मरूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यजीद ना कहेगा क्या मुंह लेकर मुझ पर लानत की थी। सो इसका कुछ अभी पता नहीं, खात्मा किस हाल पर हो, बस अल्लाह की पनाह मांगे। यानी हम कहे कि कयामत में अगर हमारी मुलाकात बुजुर्गाने दीन से होंगी, शिर्क, नबी पाक हमसे मिलेंगे, शिर्क, इनको इतना पक्का यकीन है यजीद से मुलाकात होगी, यजीद बोलेगा क्यों यार, तो इनको अपना ठिकाना पता है, इनको अपना ठिकाना पता है, यजीद वहीं मिलेगा इनको। एक म्यान में दो तलवारें रह सकती है, मावरा है ना मशहूर, एक म्यान में दो तलवारें। और नबी पाक ने कहा एक दिल में हुब्बे अली और बुग्ज़े अली ये जमा नहीं हो सकते, तो अब एक म्यान में दो तलवारें नहीं, तो हुसैन जन्नत में, ये तो यकीन है क्योंकि जन्नतियों का सरदार है, तो ये अभी तो हो ही नहीं सकता वहां, तो ये होगा कहां, दूसरे डिपार्टमेंट में, जहन्नमी की सरदारी में, इनकी मुलाकात वही होंगी। यजीद बोलेगा क्यों मियां, बड़ी लानत करते थे मुझ पर, अहमद रजा ने समझाया, समझ में नहीं आया था जब, अबे लानत कर लेता तो बच जाता, नहीं किया इसलिए तो आया है। ये है इनके अकीदे भाई, अब क्या बताऊं। तो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यजीद ना कहेगा क्या मुंह लेकर मुझ पर लानत की थी। सो इसका भी कुछ पता नहीं कि खात्मा किस हाल पर होगा, बस अल्लाह ही की पनाह मांगे। ये मलफूजात हकीमुल उम्मत साहब, मरीज उम्मत। चलिए अब एक और फतवा निकालू, ये है इनकी मोहब्बत, यह है फतावे रशीदिया। क्या है, हमारे पास तो इनके खजाने, इनको बेचारों को सिर्फ एक आलत की मलफूजात मिलती है, अल मलफूज, उसका भी पोस्टमार्टम करूँगा किसका, इन्होंने जो अकीदे बताए अल मलफूज में गड़े हैं आलादत पे तोहमत बांध के, जबकि मलफूज किसी की किताब नहीं होती, जुमले होते हैं, उसमें अगर किसी की गिरफ्त होती लिखने वाले की होती है, बोलने वाले की नहीं होती, मगर इनके पास पूरा अहले सुन्नत पे इल्ज़ाम लगाने के लिए कुल सरमाया एक ही है, अल मलफूज। और हमारे यहाँ तो बहुत अंबार है इनकी। यह है फतावे रशीदिया, कौन है ये, मौलाना अलहाज अल हाफिज रशीद अहमद साहब गंगोही, अशरफ अली साहब के उस्ताद भी थे ये। इनकी फतावे रशीदिया है, और फतावे रशीदिया ये छपी कहाँ से ये बताता चलूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, देखिए अल्फाज आते हैं, योमिया छपी है मकतब दानिश देवबंद से यूपी, पिन कोड भी लिखा है 247554, ये पिन कोड है, पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। चलिए ये किताब कहाँ से छपी है सुनिए, ये भी छपी है मकतब थानवी देवबंद यूपी से, और ये आपको मोइन पुरे में भी मिल जाएंगी। इस किताब का सफ़ा नंबर 50, ये अंडरलाइन की हुई है सब चीज़ें, ये आपको मॉनिटर पे दिखेगा बाद में इंशाल्लाह क्लियर। सवाल पूछा अशरफ अली रशीद अहमद गंगोही से किसी ने, इनके फतावे हैं। पहला सवाल ये है, यजीद कि जिसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, वो यजीद आपकी राय शरीफ में काफिर है या फासी।
अभी शरीफ पे हंस पड़े यार जी। देखो वो हमारे क्या है SHO के मेंबर बोलते हैं कि अजमेर शरीफ बोलो बिदत, समझ रहे आप, ताजाबाद शरीफ बिदत, कलियर शरीफ बिदत, कचुचा शरीफ बिदत, बरेली शरीफ बिदत, इनकी राय शरीफ, ये बदमाशों की राय शरीफ है, ये बिदत नहीं है। आपकी राय शरीफ में क्या काफिर है या फासिर है? ये साहब लिखते हैं रशीद अहमद गंगोई, किसी मुसलमान को काफिर कहना मुनासिब नहीं। यानी यजीद तो पहले बता दिया कि मुसलमान है, यजीद मोमिन था, बासबबे कत्ल के फासिक हुआ। इमाम हुसैन का कत्ल करके सिर्फ फिस्क का हुक्म है, अब फिस्क क्या होता है, आप दाढ़ी जो कटाता है वो भी फासिक है, जो शराब पीता है वो भी फासिक है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी फासिक है। यानी यजीद इमाम हुसैन का कत्ल इतना बड़ा जुर्म, उसको किस कैटेगरी में ला रहे हैं, ये दाढ़ी कटाने के, जुआ खेलने के, इस कैटेगरी में ला रहे हैं। कहते हैं कि सिर्फ बासबबे कत्ल के फासिक हुआ, कुफर का हाल दरियाफ नहीं, काफिर कहना जायज नहीं, वो अकीदा कल पर मौकूफ है। अब तो यजीद के दिल में था, वो क्या सोचता था क्या बोलता था, तो कुफर काफिर कहना जायज नहीं। जुमले को फिर सुने, कुफर का हाल दरियाफ नहीं, यानी इनको काफिर है ये पता नहीं, इसको गंगोई साहब को काफिर कहना जायज नहीं। अब इसको यहीं रख दीजिए, ये फतवा खत्म हो गया, मगर इसी फतवे में देखिए बुग्ज़े अहले बैत और बुग्ज़े नबी कितना झलकता है। इसलिए हम जो कहते हैं ना कि ये गुस्ताख जमात है, आपको यकीन नहीं आता, इसलिए बोलता हूँ किताबें देखो तब यकीन करो। इसी किताब के सफा नंबर 104 पर अब क्या लिखते हैं जरा सुनिए, यजीद काफिर नहीं है, क्या है, मोमिन है इनके नजदीक। सफा नंबर 104 पे फतवा रशीदिया में एक और सवाल होता है, हमारे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदैन मुसलमान थे या नहीं, नबी के माँ बाप मुसलमान थे या नहीं, सवाल पूछ रहा है। जवाब देते, हजरत के वालदैन के ईमान में इख्तिलाफ है। हजरत इमाम साहब का मतलब यह है कि उनका इंतकाल हालत कुफर में हुआ, नबी की माँ काफिर, नबी का बाप काफिर, यजीद इनके नजदीक मोमिन, यह है ईमान, यह है इनके ढकोसलेबाजी, और ये दावा करते हैं कि हम हक पर हैं। नबी की वालदा तो ऐसी मोमिना है, मैं एक मिसाल देता हूँ ज़्यादा, उस पर तो आला हज़रत की पूरी किताबें हैं, इस पर किताब है आला हज़रत की पूरी, नबी की माँ कैसी मोमिना है। मैं सिर्फ एक नुक्ता और एक दलील दे के गुजर जाऊँगा, तफ़सीर रूहुल बयान हज़रत इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह की, ये तफ़सीर रूहुल बयान मौजूद है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, तो उसकी शरह में तफ़सीर में लिखते हैं कि यूनुस मछली के पेट में 40 दिन रहे, 40 दिन के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर बरामद हुए, तो अल्लाह ने मछली से खिताब किया, है मछली तूने अपने शिकम में 40 दिन एक नबी को रखा, बता उसका इनाम क्या चाहती है। तो मछली ने अर्ज किया, परवरदिगार मैंने तेरे नबी की हिफाजत की अपने शिकम में, अपने तेरे नबी को अपने शिकम में लेकर मैं दरिया में घूमती रही, मैं इसका इनाम ये चाहती हूँ कि नहरे कौसर जो जन्नत में बहती है उसमें मुझे डाल दे, ताकि मैं जन्नतियों के साथ दिल भाया करूं। अल्लाह ने नहरे कौसर में उस मछली को डाल दिया। अल्लामा इस्माइल हक की तफ़सीरुल बयान में फरमाते हैं, अजीज तो तसव्वुर तो कर, वो मछली जो यूनुस को 40 दिन अपने पेट में लेकर घूमे, वो जन्नती हो जाए, वो शिकम जिसमें खातमुन नबीन, अफजलुन नबील, इमामों और अंबिया, नबियों का सरदार नाम आ रहा, वो कितना जन्नती होगा। वो काफिर है, वो कितना मोमिन होगा, उसके ईमान में इनको इख्तलाफ नजर आ रहा है, और यजीद के ईमान में कुफर में इख्तलाफ, मोमिन है वो मोमिन, और मोमिन और मुसलमान में फर्क होता है, इस पर अलग गुफ्तगु है। मोमिन किसे कहते हैं मालूम है आपको, कुरान की इस्तिलाह में मुत्तकी और परहेजगार को। हम मुसलमान हैं, मोमिन नहीं है, आपको बता दूं हम मुसलमान हैं, क्यों, क्योंकि हम मुत्तकी नहीं है, जो साहिब तकवा है उनको कुरान ने मोमिन कहा, हम मुसलमान इसलिए कि हमने ईमान लाया। अब आइए एक और किताब बता दूं, इसका नाम है रशीद इब्ने रशीद। हंस रहे यार आप लोग, रशीद से मुराद यहां पहला रशीद अमीर माविया, दूसरा रशीद जो है वो पहला रशीद जो है क्या नाम है यजीद, और दूसरा रशीद अमीर माविया, यानी ये मुराद है इनसे। इस किताब का सफा 341 है, लिखने वाले कौन है, मौलवी अबुल वहीद गुलाम मोहम्मद,
अबुल वहीर गुलाम मोहम्मद देवबंद के फाजिल है। देखिए क्या लिखते हैं, कहते हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह एक जलीलो कद्र मुजाहिद इस्लाम थे। मेरा ख्याल था रकासों से जिहाद करते होंगे, उलमा ने तो यही बयान किया कि रकासों का रसिया था, शराब पीता था, इनको मुजाहिद दिख रहे हैं तो रकासों से लड़ते होंगे इसलिए मुजाहिद हो गए इनके नजदीक। कहते हैं कि हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह एक जलील कद्र मुजाहिद इस्लाम है और मेरा ईमान है कि वो जरूर जन्नती है। मुझे अपने वालिद के मुतालिक तो इतना यकीन नहीं कि वो जरूर जन्नती है, लेकिन हजरत यजीद के मुतालिक मेरा ईमान है कि वो जरूर जन्नती है, वरना हदीस का इनकार करना पड़ेगा। इनको अपने अब्बा की जन्नत में जाने का यकीन नहीं है, मगर यजीद जो इनके दादा हुजूर है उनके जन्नत में जाने का पूरा पक्का यकीन है। चलिए किताब और बता देता हूँ, छोटी सी है ये, अभी छाली में खरीदा मैंने, खरीदने को भी दो चार महीने ही मुश्किल से हो रही है। मोहर्रम पर मसले हजरत हुसैन और यजीद, कहाँ से छपी है ये? अहले हदीस हजरात ने छापा है, एक ही ताली के छट्टे बट्टे। अभी आप उलमा देवबंद के हालात सुन लेते, अब अहले हदीस साहब हजरात की भी खबर लीजिए, ये अहले हदीस नहीं अहले खबीस है ये। ये छपी है फिरदौस पब्लिकेशंस नई दिल्ली से, लिखने वाले मौलाना अब्दुल सलाम रहमानी। ये किताब मोहर्रम मोहर्रमुल हराम व मसला हजरत हुसैन व यजीद, अहले हदीस के आलिम है, जिंदा है अभी। इसमें अल्लामा इब्ने तैमिया जो इनके बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, जिनका अकीदा था कि अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ है माज़ुल्लाह, उनके किताब के हवाले से नकल कर रहे हैं, उनकी किताब के हवाले से लिखा है इन्होंने। लिखते हैं कि जो लोग यजीद पर लानत भेजते हैं उन्हें दो बातें साबित करनी चाहिए। अव्वल तो ये कि यजीद ऐसे फासिक और जालिमों में से था कि जिन पर लानत करना मुबाह है। ये नहीं हम ही से उल्टा पूछ रहे हैं कि तुम यजीद को जो बुरा कहते हो तो पहले तो तुम ये साबित करो कि वाकई यजीद इतना बड़ा गुनाहगार है। इनको करबला समझ में ही नहीं आई अब तक, पता नहीं सो रहे थे कि क्या मालूम अल्लाह जाने। अब मैं इनसे पूछता हूँ, इब्ने तैमिया आज जिंदा होता तो पूछता कि आप हमसे पूछ रहे जनाब कि यजीद पर लानत करना मुबाह है या नहीं, पहले ये साबित करो। हम आपसे पूछते लानत ना करना क्यों जायज नहीं ये बताओ, तो कौन सी वजह है जिसकी बिना पे आप इतना लायक तअज़ीम समझते हैं? फिर लिखते हैं कि दूसरा ये कि वो अपनी इसी हालत पर मौत तक कायम रहा। दूसरा ये साबित करना है कि वो मरने तक उसने तौबा ही नहीं की, ये आपको साबित करना है। अच्छा तौबा करने तुमको क्या कान में आके बोल के गया था क्या? अजीब हाल है यार, हमारे इमामों ने बोला कि वो आखिरी तक मरदूद उसी हाल पे रहा, तो यही काफी है। अब आगे कहते हैं कौन दावा कर सकता है कि यजीद और जैसे बादशाहों ने कभी तौबा ही ना की हो, कौन दावा कर सकता है? आप क्यों दावा कर रहे तौबा कर लिया, आपके क्या बात वही आ गई थी क्या? या सयाद को जायल करने वाले हसनात नहीं किए, यानी इनके नजदीक इमाम हुसैन का कत्ल इतना छोटा मामला है कि दो चार रकात नमाज पढ़ लो तो गुनाह माफ हो जाए। यह है इनके नजदीक, यह है इमाम हुसैन की कदर इनके नजदीक। और नबी की हदीसें इनको नहीं मिल रही सही हदीसें, जिसमें नबी फरमा रहे जो हुसैन से लड़े उसने मुझसे लड़ा, जिसने हुसैन से जंग की उसने मुझसे जंग की, और जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई, और ये इनको हदीसें नहीं मिली। तो कहते हैं कि या सयाद को जायल करने वाले हसनात नहीं किए, या इन्हें गुनाहों का कुफारा बनने वाले मसायब पेश नहीं आए, यानी ऐसी तकलीफ ही नहीं आई कि जो ऐसे गुनाहों को माफ कर दे, ये कौन साबित कर सकता है? अल्लाह ताला शिर्क के अलावा हर चीज को बख्श देगा। अब चाहे इमाम हुसैन को कत्ल करो, चाहे काबे को उखाड़ के फेंक दो, सिर्फ शिर्क मत करो। इनके यहाँ शिर्क का भूत ऐसा है, तकवतुल ईमान में इस्माइल दहलवी ने लिखा, कोई फिरौन की तरह खुदा का दावा भी कर ले, हमान की तरह भी हो जाए, शैतान और इबलीस के बराबर गुनाह भी कर ले, सिर्फ शिर्क से बचे, तो जितने गुनाह अल्लाह उतनी इनायत उस पर नाजिल करेगा। ये बेवकूफी की हद है, इनको शिर्क का ऐसा बुखार आया है, शिर्क शिर्क पूछो मत। कहते हैं कि खुदा शिर्क के सिवा कुछ ना बख्शेगा, बाकी गुनाहों को चाहेगा तो बख्श देगा। और सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है, अब ये वो सवाल का जवाब आ रहा है जो भेजा है किसी भाई ने, कि सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि नबी ने फरमाया सबसे पहले कुस्त दुनिया पर जो फौज लड़ेंगी खुदा ने इनकी बख्शिश कर दी है। अब ये बुखारी शरीफ में हदीस है, कुस्त दुनिया जो किसी जमाने में रोम की राजधानी कहलाती थी, रोम बड़ा पावरफुल और ताकतवर मुल्क था, अब उसका नाम बदल दिया गया कुस्त दुनिया का,
अल्लाह के नबी ने बशारा दी थी बुखारी में हदीस है कि जो कुस्तुत दुनिया पर पहला हमला करे वो बख्श दिया गया है। अब यजीद भी हमला किया कुस्तुत दुनिया पर, मगर ये इतने मतलब धोखेबाज दगाबाज वाके हुए है कि तारीख आदि पढ़ते और आदि जो इनके मतलब की नहीं इसको बिल्कुल छुपा देते। सबसे पहले तो हम ये चैलेंज करते हैं कि ये साबित कर दो कि कुस्तुत दुनिया पर पहला हमला करने वाला यजीद है, नहीं है बल्कि कौन है मालूम है आपको, खालिद बिन वलीद के साहबजादे हैं जिन्होंने सबसे पहला हमला किया। और इसकी पूरी तहकीक मेरी किताब रियाजुल जन्ना में एक मरतबा छप चुकी है पूरी तफसील के साथ। जब भोपाल से किसी वहाबी का एक सवाल आया तो उसके जवाब में मैंने पूरा वो तहकीकी मकाला लिखा था। तो सबसे पहला जिसने हमला किया वो हजरत खालिद बिन वलीद के साहबजादे हैं। यजीद ने चौथे पांचवें में हमला किया और वो भी उस जंग में शरीक था, लेकिन ना तलवार चलाया ना घोड़े में बैठा ना लड़ा, सिर्फ खैमे में बैठा आराम करता रहता था। तो बुखारी की हदीस अपनी जगह सही, लेकिन अब मैं दूसरा एक जवाब देता हूं। चलो थोड़े देर के लिए हम मान लेते कि यजीद ही पहला हमला करने वाला है, तो इस हदीस के तहत आपने जन्नत ही मान लिया। और वो बेशुमार हदीसें जिसमें हुसैन से लड़ने और हुसैन को सताने की हदीसें जहन्नम की बशारत आई वो किस खाते में जाएंगी? चलिए मैं कुछ हदीसें सुनाता हूँ, इतना ही बुखारी का बुखार है तुम्हें, अब तुम्हारा बुखार बुखारी से उतारता हूँ, बुखारी में ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो रमज़ान के रोज़े रख लेता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो बंदा हज करता है और हज से फारिग होता है तो फरिश्ता खिताब करता है, निदा करता है, बंदे अल्लाह ने तेरा हज कबूल किया, तो आज गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे आज ही तेरी माँ ने तुझे जना हो, हदीस में है। और हदीस में क्या है, जब दो मुसलमान मोमिन भाई एक दूसरे से हाथ मिलाते मुसाफा करते दोनों के हाथ जुदा होने भी नहीं पाते कि अल्लाह दोनों की मगफरत कर देता है, यह हदीसें है कि नहीं? और ये सही हदीसें है। अब मुसलमानों के हाथ मिलाओ और काबे की दीवारों पर गलाजत डालते जाओ, मस्जिद नबी को गंदा कर दो, मस्जिद नबी में घोड़े बांध दो, अहले बैत नबूवत के लोगों को कत्ल करते रहो, लोगों को मारते पीटते रहो, और जब पूछा जाए कि भाई ये खून क्यों कर रहे हो, कत्ल क्यों कर रहे हो, कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, मुसलमान से मुसाफा करेंगे बख्शिश हो जाएंगी, हज करके आएंगे बख्श दिए जाएंगे, रोजा रखेंगे बख्श दिए जाएंगे, तो मुझे बताओ कि क्या ये बात यहाँ पे सादिक आएंगी? हरगिज नहीं आएंगी। हदीसों में तो ये भी है, तो यहाँ क्यों नहीं आएंगी? अमल तब कबूल होते हैं कि वो तकवे के साथ किए जाए, गैर तकवा अमल काबिले कबूल नहीं है, वो मर्दूद है, मुंह पे मार दिए जाएंगे। हज कबूल हो तो माँ के ऐसा पैदा हुआ जैसे आज माँ के पेट से निकला हो, ऐसा गुनाह से पाक हुआ, अगर हज ही कबूल ना हो तो समझ में आ रही। रोजे रखा अल्लाह ताला जहन्नम की आग हराम फरमा देता हदीस में, मगर कब? रोजे कबूल हो, तो कबूल कब होंगे? जब उस अंदाज में बगैर रियाकारी के रखे। अब इमाम हुसैन को कत्ल कर दे, अब वो साहब कत्ल करने के बाद कह रहे कि नहीं कुस्तुत दुनिया पे हमला किया इसलिए वो बख्श दिया गया, तो कितनी बड़ी ये दगाबाजी और जहालत है। अब आइए एक और अहले हदीस की किताब दिखाऊं, ये है फतावे बरकातिया, फतावे बरकातिया, ये भी अहले हदीस से छपी है। इसके लिखने वाले शेखुल कुल फिल कुल हजरत अल्लामा अबुल बरकात अहमा शेखुल हदीस जामे इस्लामिया गुजरावाला, गुजरावाला पाकिस्तान का इलाका है, ये पाकिस्तान गुजरावाला से छपी है, अलहम पब्लिकेशन ने छापा है, अहले हदीस के शेखुल कुल है, यानी तमाम शेखों के कुल है, यहाँ सारे शेख जाके ख़त्म हो जाते हैं। और इनकी किताब का सफ़ा नंबर 159 है। सवाल होता है कि जब यजीद ने हजरत हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजे तो उन्होंने गिरफ्तार करने की बजाय हजरत हुसैन को शहीद कर दिया, इसके सिले में उन सिपाहियों को सजा क्यों नहीं दी गई? सवाल पूछा गया कि इमाम हुसैन को उन्होंने कत्ल कर दिया, तो जिन्होंने कत्ल किया अगर यजीद का हाथ नहीं था, यजीद धुला धुलाया था, तो जिन्होंने बेकसूर इमाम हुसैन को शहीद किया तो उनको सजा क्यों नहीं दी फिर यजीद ने? जवाब देते हैं, वहाँ जो जंग हुई वो एक इत्तेफाकी बात है। पहला जुमला देखो कितना बेहुदा है, इत्तेफाकी बात है। सिपाहियों का मुतालबा था कि हम आपको गवर्नर बसरा और कुफा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास ले जाना चाहते हैं ताकि वहाँ बराए यजीद बैठ करके फिर मदीना यजीद के पास आपको भेजा जाए। दरअसल सिपाही दारुल खुल्फा दमिश्क के नहीं थे बल्कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद गवर्नर की तरफ से आए थे। गवर्नर को यजीद ने सजा दी, गवर्नर कौन? इब्न ज़ियाद, उसको यजीद ने सजा दी। अब वो सजा क्या दी? पहले वो दो सूबों यानी बसरा और कूफा का गवर्नर था,
उन्हें एक सूबे तक महदूद कर दिया, एक से हटा दिया। कितनी प्यारी सजा है, दो दो जगह का गवर्नर था, कहा नहीं यहाँ से अब तू हट जा, हो गई सजा हो गई। ये है इन लोगों के किरदार। डॉक्टर इसरार अहमद की एक तकरीर है, अब वीडियो आएंगी तो उसकी आवाज़ मिक्सिंग हो जाएंगी क्योंकि वो ऑडियो तकरीर है, नेट से ली हुई है, अभी यहाँ मैं सुना नहीं सकता, प्रोजेक्टर भी नहीं है, दिखा भी नहीं सकता। इसरार अहमद साहब कहते हैं कि मैंने 1300 साल के बाद बड़ी मेहनत और जद्दोजहद करके दरमियानी रास्ता निकाला, और वो ये है कि यजीद को भी बुरा ना कहा जाए और इमाम हुसैन को भी हक पर कहा जाए। और उसमें कहते हैं कि ये जो कहा जाता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद जी, तो कहते हैं कि वो जिन्होंने लिखा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का शेर है, तो अगर वह आज जिंदा होते तो मैं उनसे पूछता कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो इस्लाम की डेट ऑफ डेथ कौन सी है, मौत की तारीख कौन सी है, मैं पूछता कि जो इस्लाम जिंदा हुआ है। इस तरह बहुत सी, और जाकिर नाइक के जो बयान सुने कि यजीद हक पर है, यजीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, फिर उसकी एक वीडियो वो है हमारे पास कि जिसमें वो जब सफाई देने बैठा तो उसमें सरातन उसने झूठ बोला कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ और खड़े होकर पूछता है कि जाकिर साहब आपने ऐसा कहा ऐसा कहा, तो लोग उसको उठा के जा रहे हैं, और जाकिर नाइक वहाँ एक जुमला बोलता है और कहता है ये मुसलमान है, अभी मैंने बात पूरी नहीं की, ये मुसलमान है, यानी उसकी बात बीच में कट गई तो वो काफिर हो गया, उसके मुसलमान होने पे सवालिया निशान लगा दिए डॉक्टर साहब ने। मगर यसीर इनके अब्बा हुजूर पक्के मोमिन जन्नती, ये है यजीद के वफादार। और एक वीडियो वो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, अभी तक वो सामने नहीं लाया, मेरे को मना किया गया था लेकिन यार दिल मान नहीं रहा, इजाजत है जी, चलो इशारा कर दूंगा वीडियो, अब मैं जिन्होंने ला के दिया है उनसे पूछ के मैं डालूंगा भाई, क्योंकि वो बड़ी सीक्रेट वीडियो आई है। सनाउल्लाह इनका एक मौलवी है अहले हदीस का, खुफिया मीटिंग बैठी हुई है, खुफिया चोर चोर मौसेरे भाई, अली बाबा 40 चोर के 40 चोर बैठे हुए हैं वहाँ, प्लान बन रहा है, वो अंदर खुफिया की वीडियो है, वो आई है कि बरेलियों को कैसे जेर किया जाए, तो उसमें प्लान में बन रहा है। तो उसमें एक सवाल करता है कि डॉक्टर साहब का जो मसला उठा था यजीद वाले में, वो उसमें आपने के? उसको बहुत हिसाब से दबाए बोले हमने निपटाए उसको बहुत, यानी ये निपटाते हैं। मगर मैं आपको बता दूं जिस दिन भी जाकिर नाइक नागपुर में आएगा एसएचओ की तरफ से उसको इसी टॉपिक पे मुनाज़रे का चैलेंज किया जाएगा, जाकिर साहब बहुत आपने पंडितों से मुनाज़रा किया, कभी किसी बरेली से भी करके बताओ। और वो चमचागिरी नहीं चलेंगी, मेरे फला चमचे से, अगर हम चमचों से बात नहीं करते, हम था जो है वो उससे तकबीर से बात करते, वो तकबीर चमचों से नहीं बात करते। वो आजकल क्या कर रहा है, मेरे चमचों से बात करो, अबे चमचों से क्या बात करना, तुझसे बात करेंगे और डंकी की चोट पे, और सवाल नहीं पूछेंगे मुनाज़रा करेंगे। तो अपने असासे के साथ आना, हम अपने असासे के साथ बैठेंगे, दुनिया देखेंगी बेटा भी पाला तेरा बरेली से पड़ा है, ये रजा के नेजे की मार है, सीने के अदू में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। इसका ऐलान हम पहले भी कर चुके हैं, अभी सुनने में आया था नागपुर आने वाला है, तो हमने पैगाम पहुंचा दिया, जब भी आएंगे तुम्हारे 3 प्रोग्राम होंगे तो 1 मुनाज़रे का होगा, 2 तकरीर के होंगे। अब तुम्हारी मर्जी है कि पहले मुनाज़रा करो फिर तकरीर करवा लो ताकि रुसवाई से कुछ बचात हो जाए, या ये कि पहले तकरीर करवा लो फिर पूरी तरह रुसवा होके यहाँ से जाओ, वो तुम्हारे ऊपर मुनस्थिर है। तो फिर वो आया ही नहीं, हो प्लानिंग चेंज हो गया, खबरें गई जब यहाँ से तो प्लानिंग चेंज हो गया, उसके चमचों ने बता दिया अरे बड़ा मजूर है वो, मौलाना नहीं आते वो ही आता, और गैर आलिम हूँ तक है, हार भी गया तो बोलेगा गैर आलिम हूँ, यानी दोनों हाथ में लड्डू हमारे, जीत गए तो दुनिया थूकेंगी और जीतेंगे हम ही, किल के रजा है खंजर खुखार बार बार, अरे हुसैन ही नहीं जीतेंगे लोग, यजीद कभी जीता भी है, यजीद नहीं जीत सकता। तो बहरहाल ये चीजें, अब आइए मैं एक हदीस सुना दूं और इनका अंजाम मैं हदीस की रोशनी में बता दूं। ये बोलते हैं कि तुम लोग बड़े जल्दी फतवा लगाते हो, भाई हम नहीं लगाते, रसूलल्लाह लगा गए हैं फतवे, तो रसूल देखे गए हैं तुम पे, हम तो सिर्फ सुनाते हैं। आला हजरत एक बड़ी प्यारी बात फरमाया करते थे, हम काफिर बनाते नहीं है, काफिर है ये बताते हैं। लोग कहते थे बरेली कुफर की मशीन गन है, सब पे काफिर काफिर, आला फरमाते रहे माफ करना, हम काफिर बनाते नहीं है, काफिर है ये बताते हैं। कॉल और फेल से आप खुद काफिर हो जाते हो। देखिए ये है मुस्लिम शरीफ, बड़ी प्यारी किताब है, हदीस की किताब है भाई, इसकी जिल्द 3 है,
और अरबी वाली मतन की जो है वो दो जिल्दों में आती है, ये हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ। और यही हदीस मैं बता दूँ तिर्मिजी में हदीस नंबर 268 जिल्द नंबर 2 पे भी है। और मुस्लिम की जो मैं हदीस मुस्लिम का मतन पढ़ रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये है हदीस 6584 नंबर की, 6584 नंबर की हदीस है। और ये हदीस है अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से, पूरा सिलसिला रिवायत है हद्दसना अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा फला 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 फला। यहाँ पर मैं आइए देखिए वो कहते हैं, नाम मुस्लिम लिखते हैं अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, अनस बिन मालिक कहते हैं अन अरबिया قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مت تسعى, حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس ایک عربی شخص آیا, عرب کا رہنے والا آیا, اور اس نے رسول اللہ سے پوچھا, قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم, اللہ کے نبی سے سوال کیا, مت تسعى, تو اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گی؟ یہ نبی سے سوال کر رہا ہے, ساعت ساعت تھا یعنی آخری ساعت, اور آخری ساعت کسے کہتے ہیں؟ آخری گھڑی قیامت کی, قیامت کب آئیں گی؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ما عادت لها, اللہ کے نبی نے فرمایا اے شخص پوچھنے والے یہ تو بتا قیامت کی تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے, جو قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئیں گے, تو تیاری بھی ہے کچھ قیامت کی؟ وہ عربی صحابی شخص کیا کہتے ہیں, قال حب الله ورسوله, اللہ کے نبی کوئی تیاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں, اس کے سوا کوئی تیاری نہیں میری. قال رسول اللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا, انت مع من حباتا, جو جس سے محبت کریں گا قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے. تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو رسول اللہ سے, یہ حدیث کیا بتا رہی ہے, جو جس سے محبت کریں گا, ہم حسین سے محبت کرتے ہیں کس کے ساتھ حشر ہوں گا, اور یہ کس سے کرتے ہیں, رحمت اللہ علیہ یزید, لعنت اللہ علیہ یزید, یہ اسی کے ساتھ جائیں گے, ذاکر صاحب بھی وہیں جائیں گے. ارے یار تم ہی کو تو بچاتے رہے ہم پوری دنیا زندگی میں. آئیے یہ حدیث تو میں نے مسلم کی پیش کی, اب ایک دوسری حدیث بخاری سے پیش کر دوں تاکہ پورا بخاری ان کا اتر جائے. بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخاری ان کو. یہ شعر یاد کر لو, حافظ ملت کا ہے, جب بھی کوئی وہابی خبیث ملے بخاری میں رفع دین ہے تو بولنا بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار تم کو, بخاری نہیں آتی بیٹا, صرف رفع دین نہیں ہے اس میں, اور بھی بہت کچھ ہے. امام بخاری نے کیا صرف رفع دین ہی پہ پوری بخاری لکھی کیا؟ بخاری شریف کی یہ جلد 3 ہے کتاب الادب, ایک منٹ جی, کتاب الادب ہے اس کا, اور اس کا باب ہے علامت حب اللہ عز و جل, اللہ سے محبت کرنے کی علامتوں کا بیان. اس کی حدیث نمبر ہے 1111 کی نسبت سے, یہ 11 کی نسبت سے 1100, اور حدیث جس سے روایت ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ سے روایت ہے عبداللہ بن انس سے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں, انہ قال, نبی پاک نے ارشاد فرمایا, المراء مع من احبا, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رکھا جائے گا, جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رکھا جائے گا. کس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ امام حسین سے, رسول اللہ سے, غوث اعظم سے, غریب نواز سے, کسی سب سے ہم محبت کرتے ہیں, جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں کسی کی بھی محبت کام آ گئی ہم اسی کے ساتھ حشر ہو جائیں. اور یہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تھانوی بابا سے, گنگوئی بابا سے, انہی کے ساتھ جائیں گے. آپ یہ تھانوی سے محبت کرتے تھے, تھانوی کے ساتھ جائیں گے. تھانوی صاحب کس سے محبت کرتے ہیں؟ بابا یزید صاحب سے. یہ بہت اچھی بات آئی, قرآن کی ایک آیت کسی نے پیش کر کے بتایا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے, یہ ذاکر نائک کا بہت بڑا حربہ ہے, کہ تم اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو, اللہ کے نزدیک یہ بہت سخت بات ہے. یعنی تم کسی کو بھی جہنم ہی بول دیتے ہو, کافر بول دیتے ہو, اللہ فرماتا ہے کہ تم ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو. بے شک ایسی بات نہیں کہنا چاہیے جس کا علم نہ ہو, مگر یہاں تو علم ہے, اور وہ علم کہاں سے ہے؟ نبی کے کہنے سے.
मैं क्या कह रहा हूं, नबी कह रहे हैं जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ अगर तुम में हौसला हो तो बोल दो कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह जरूर है मगर हमें बड़ी नफरत है। तो ये दुनिया के पहले लोग होंगे जिसको वली भी मानते हो और नफरत भी करते हो। ये तो अजीब बात हुई भाई, जिसको वली समझता है इंसान, जिसको रहमतुल्लाह अलैह बोलता है, रदी अल्लाह अन्हु बोलता है, तो मोहब्बत नहीं बोलता है ना कि बुग्ज़ में बोलता है। और अगर तुम्हारा उसूल ये कि नहीं जिससे हम नफरत करते हैं हम उसको भी रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, तो अबू जहल रहमतुल्लाह अलैह बोल के बताओ, अबू लहब रहमतुल्लाह अलैह बोल के बताओ, तो दुनिया तुम पे थूकेगी। और कुरान ने ये सब बयान कर दिया है। मैं कुरान की आयत सुना दूं, कुरान ने बयान किया ना, इसलिए तो हम कुरान की रोशनी में बोलते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है यौमा नदू कुल्लु नासा बेइमामिही, याद करो हश्र के दिन को जब हम तुम्हें तुम्हारे पेशवा के साथ बुलाएंगे। जिसको तुम पेशवा बनाओगे उसके साथ तुम्हारा हश्र होगा। हमारा पेशवा इमाम अहमद रजा है, हमें उनके साथ बुलाया जाएगा। हमारा पेशवा इमाम आजम है, हमें इमाम आजम के साथ बुलाया जाएगा। हमारा पेशवा गौसे आजम है, हमें गौसे आजम के साथ बुलाया जाएगा। हमारा पेशवा सुल्तान हिंद है, हमें सुल्तान हिंद के पास बुलाया जाएगा। और खुश नसीब है सुन्नती रसूल हमारा रसूल आजम, शहीद हमारा शहीद आजम, इमाम हमारा इमाम आजम, मुजद्दिद हमारा मुजद्दिद आजम, सब आजम ही आजम है यहाँ से। तो हम वो बात कहां बोलते जो हम अपनी जबान से, हम वो बोलते जो कुरान और हदीस बोलता है। नबी ने बोला हुसैन से मोहब्बत रखो, जो हुसैन से बुग्ज रखे वो मुझसे ऐलान जंग करता है। बुखारी में एक हदीस है, चलिए याद आ गई, अभी वो अंडरलाइन नहीं किया इसलिए मेरे को अभी हदीस नंबर याद नहीं है, क्योंकि मैं हदीस का हाफिज तो नहीं हूँ, अलबत्त इतना जहन में रहता किस बाब में और किस जगह है ये हदीस। बुखारी की तीसरी जिल्द में ये किताब तौहीद के अंदर की हदीस है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हदीस कुदसी है, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी ले रखे मैं उसे ऐलान जंग करता हूँ। किससे दुश्मनी? वली से। और हुसैन तो वलियों का सरदार है। जो हुसैन के कातिल को बुजुर्ग बरतर माने उसका अल्लाह से ऐलान जंग नहीं होगा। जो हुसैन से जंग करे क्या उसकी जंग अल्लाह से नहीं? यकीनन है। तो हम अपने इल्म से नहीं कहते, अल्लाह फरमाता है जो बात का तुम्हें इल्म ना हो वो क्यों कहते हो? हम अर्ज करते मालिक कायनात बेशक हमें कोई इल्म नहीं मगर तेरे नबी ने बताया कि कौन जहन्नम में जाएगा कौन जन्नत में जाएगा, हम तेरे नबी के बताए हुए मुताबिक कहते हैं। और नबी ने बताया, तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, अबू दाऊद नसाई इब्ने माजा बहकी हाकिम बहुत सारी मुतअद्दिद हदीसों के अंदर ये हदीस की किताबों में हदीस है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मन काना कौमा बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्लता व उम्मती तफ्तरिकु अला सलासीन व सबईन मिल्लता कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा कालू मन हिया या रसूलल्लाह काला माना अलैहि व सहाबी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों कौम बन इसराइल आपस में इख्तलाफ करके 72 फिरकों में बट गई, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगी, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार कुल्लुहुम फिन्नार सब जहन्नम में जाएंगे। नबी ने कहा सिवाय इल्ला मिल्लतुम वाहिदा सिवाय एक जमात के, नबी खुद फरमा रहे हैं एक जमात जन्नती 72 जमातें जहन्नमी, नबी 72 को जहन्नमी कह रहे हैं, तुझे एक को कहने में तिशर्म आ रही है? हाँ समझ में आ रही है? अरे नबी तो कहे 72 जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया कालू मन हिया या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान निशानी? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया माना अलैहि व सहाबी, जिस अकीदे पर मैं हूं और मेरे सहाबा है। नबी का अकीदा क्या है? हुसैन हक पर है। सहाबा का अकीदा क्या है? हुसैन हक पर है। और यजीदियों का अकीदा क्या है? यजीद हक पर है। बात समझ में आ गई? जो सहाबा के अकीदे से हट गया जहन्नम में। अबू हुरैरा का अकीदा क्या? सन 60 हिजरी से पना मांगो, क्यों? लौंडों की हुकूमत आएंगी, लौंडों में यजीद है। तो ये तो सहाबा का अकीदा हुआ। तो इसका मतलब हम अपनी तरफ से कब बोलते हैं? अगर बोले तो आपको बेशक शिकवा करना चाहिए। आइए, जो भाई ने सवाल किया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने हवाले में दो बातें बयान की, इन्होंने एक ही लिखी, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ क्योंकि वो क्लिप मौजूद है मेरे पास और मैंने सुना है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह यजीद को रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, उसने पहली बात कही। दूसरा बोलता है इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा कि यजीद काफिर नहीं है। तो इस बारे में मैं थोड़ी सी तशरीह कर दूं। हमारे यहाँ एक मसला होता है जिसको बोलते हैं कफे लिसान का मसला।
امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں یزید کو کافر نہیں کہتا، فاسق و فاجر، گناہگار، بدتر، خبیث، ملعون سب بولتا ہوں، صرف کافر کہنے سے اپنی زبان روکتا ہوں. اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ہم یزید کو کافر کہیں گے. اس کے علاوہ امام شافعی کہتے ہیں ہم یزید کو کافر کہیں گے. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں ہم یزید کو کافر کہیں گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بڑی علمی بات بتا رہا ہوں، امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں میں کافر نہیں کہوں گا، مگر اس کے بعد ایک جملہ اور کہا امام نے، وہ چھوڑ دیا اس نے ذاکر نائک نے، جو کافر کہے ہم اس کو منع بھی نہیں کریں گے. تو اے امام آپ کیوں نہیں کہہ رہے، دوسرے کو کہنے دے رہے ہیں آپ، دوسرے کو منع نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ ہے جو ایک محدث ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے، اس کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص میرے پاس آئے اور کہے کہ فلاں شخص یہ کام کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں ایک ذمہ دار نہیں ہوں تو میں فوراً کہوں گا اگر وہ شخص شرابی ہے، کبابی ہے، تو وہ اس کا یہ حکم ہے. کوئی شخص آیا میرے پاس نے کہا کہ ارے وہ فلاں صاحب ہے نا، وہ کہہ رہے کہ میں اللہ کو ہی نہیں مانتا، کوئی اللہ اللہ نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہوں کافر ہے. تو میں نے کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ میں ذمہ دار نہیں، میرا کہنا بھی درست ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا تو کافر. مگر یہی بات آپ ایک مفتی وقت کے پاس لے کر پہنچتے ہیں، شریعت کے قاضی کے پاس لے کے پہنچتے ہیں، اور شریعت کے قاضی کو دو اختیار ہے، حکم لگانا اور سزا دینا. اب اس سے کہا فلا آدمی اللہ کو نہیں مانتا یہ کہہ رہا ہے، تو قاضی نہیں کہیں گا پہلے اس کی ہم تحقیق کریں گے، تحقیق کے بعد ثابت ہوں گا تو ہم اس کو کہیں گے کافر، کیونکہ میرا منصب اونچا ہے. اگر میں سنی سنائی پہ کہوں تو پھر امام کہہ رہوں گا، سنی سنائی والی نہیں چلتی، سمجھ رہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس یزید کے جو کرتوت پہنچے وہ سارے وہ لوگ بیان کر رہے تھے جو کوفہ کے رہنے والے تھے، کیونکہ امام اعظم کوفہ کے رہنے والے تھے. اور معاملہ یہ تھا کہ وہ کوفی وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو پہلے شہید کیا، پھر توبہ کی، استغفار کیا، توابین اپنا نام رکھا، پھر یزیدیوں کی برائی کرتے تھے، یزید کو گالیاں بکتے تھے. تو امام نے کہا کہ ایسے لوگوں کی روایت میرے لیے معتبر نہیں ہوں گی، ایسے لوگوں کی بات میں کیسے مانوں جو حسین کو قتل کرنے پہ آمادہ ہوئے، حسین کو قتل کر دیا، اب یہ پستا رہے ہیں، جب پستا رہے ہیں تو ایک کی دو لگا رہے ہوں گے. تو امام کے نزدیک احتیاط کا پہلو یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی گواہی مردود ہے، کیونکہ یہ خود فاسق و فاجر ہے. کوفہ میں اکثر یہ شیعوں کی تھی، اور ہمارے یہاں شیعوں کی روایتیں نہیں لی جاتی، کیونکہ ہم ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے. تو ایک کافر کی ہمارے یہاں روایت نہیں چلتی، ایک کافر بیان کرے تو نہیں چلتی. چنانچہ امام نے فرمایا کہ جو روایت بیان کر رہے یزید کے بارے میں وہ خود صاحب ایمان نہیں ہے، وہ خود فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے. تو آپ نے فرمایا کیونکہ اب شک ہو گیا ہے، بات میں شک شبہ آ گیا ہے، بات میں شک پیدا ہو گیا، کہنے والا معتبر نہیں ہے اور تحقیق پوری ہو نہیں پا رہی ہے، معتبر حضرات تک میری روایت مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے کہ یزید نے کیا نہیں کیا، اس میں شامل تھا نہیں تھا، بہت ساری باتیں تھیں. تو امام نے فرمایا کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یزید کے کرتوت کو ہم فسق و فجور تو کہیں گے، کفر نہ کہیں گے، اس لیے کہ کفر کے لیے بڑی باریک تحقیق چاہیے. مگر میرے سامنے کوئی کافر کہے تو میں اس کو منع بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اس پر شریعت کے اتنے تقاضے نہیں ہیں. امام نے خاموشی اختیار کی. تو امام ہی کی تقلید کرتے ہوئے امام غزالی، امام ابن حجر عسقلانی، انہوں نے انہی قولوں پہ کہا کہ ہم بھی یزید کو کافر نہیں کہیں گے اور ہم قفِ لسان کریں گے، خاموش رہیں گے، مگر اس کو گناہگار مانیں گے، فاسق و فاجر مانیں گے، بدبخت مانیں گے، خبیث کہیں گے. اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یزید کو ہم کافر نہ کہیں گے، مگر ہمارے سامنے اگر کوئی یزید کو کافر کہے تو ہم اس کو منع بھی نہیں کریں گے. یہ ایک ہو گئی بات. اب صرف ذاکر نائک سے میرے کو ایک چیلنج ہے، بس ایک ہی بات چاہیے مجھے اور کچھ نہیں. چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ امام غزالی نے اور امام حجر عسقلانی وغیرہ نے یزید کو کافر نہیں کہا، اور رحمت اللہ لے کہا ہے کہ یہ دکھا دے تو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کچھ ہو رہی ہے، دھوکہ کچھ اور دیا جا رہا ہے. وقت کا ایک مفتی جس کے پاس یہ پہنچا کہ فلاں شخص کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، تو مفتی دیکھتا ہے کہ جو بتانے والا وہ خود ڈیفالٹر ہے، وہ خود اس کا دشمن ہے. تو مفتی سوچتا ہے ہو سکتا ہے یہ اس کی دشمنی میں جھوٹ گڑ رہا ہو، اس نے بیچارے نے کہا نہ ہو. تو اب احتیاط کافر تو نہیں کہیں گا، مگر یہ ہوگا کہ مفتی اعلان کر دیں گا کہ ارے یہ تو اولیوں کا سردار ہے. ایسا ہوگا کیا؟ نہیں ہوں گا. تو امام غزالی، امام حجر عسقلانی وغیرہ نے یزید کو کہیں بھی رحمت اللہ علیہ نہیں لکھا، انہوں نے دونوں علماء کے اقوال لکھ دیے، جو کافر کہتے ان کا بھی اقوال بیان کیے، جو نہیں کہتے ان کے بھی اقوال بیان کیے، اور فرمایا کہ امام اعظم کے فتوے کے نزدیک
हम भी एहतियातन काफिर कहने से खामोशी इख्तियार करते हैं, मगर हम फासिक कहेंगे, फाजिर कहेंगे, बदअकीदा कहेंगे, गुमराह कहेंगे, सब कहेंगे। तो जो गुमराह हो, फासिक हो, फाजिर हो, खबीस हो, आलत फरमाते हैं कि यजीद को बेशक खबीस कहा जाएगा और यजीद को खबीस ना कहेगा वही जो खुद खबीस हो, तो रहमतुल्लाह ले गएंगे आप। तो अगर जाकिर नाइक अपने आप को इतने बड़े अल्लामा समझते कि बहुत एहतियात है उनमें, हालांकि एहतियात का तो यह आलम है कि आज की तारीख में हम रसूलुल्लाह को भी मानना कुफ्र है बोलते हो, हराम है बोलते हो, ये एहतियात है उसकी। तो अगर वो इतने एहतियात पसंद था तो अगर वो ये बोल के गुजर जाता कि भाई मैं यजीद को काफिर नहीं कहता, खामोशी अख्तियार करता, तो चलो बच जाता। मगर उसने क्या कहा, यजीद को तो मैं रहमतुल्लाह अलैह बोलता हूँ। वो अलका और एक बात बड़ी मजेदार सुनी, आप आला हजरत को रदियल्लाह अन्हु बोलो तो कहते हैं तो साहबी के लिए, साहबी को रदियल्लाह अन्हु कहना चाहिए। यजीद क्या साहबी था क्या इनके यहाँ, उसको जो रदियल्लाह अन्हु बोला उसने? तो बहरहाल ये जवाबात है और आप इस पर गौर करें। सिर्फ एक छोटी सी बात मोमिन के लिए काफ़ी है, कहाँ एक नवासे रसूल और कहाँ एक यजीद पलीद, मुकाबला भी तो जोड़ कर नहीं है यार, टक्कर भी जोड़ की हो तो बात कुछ आदमी शक व शुबे में पड़े। हम इमाम अहमद इब्न हम्बल के नज़दीक, अब इमाम हम्बल ने जो काफिर कहा, इमाम हम्बल जो है मिस्र के रहने वाले थे, उन तक जो रिवायतें पहुंची वो ऐसे लोग नहीं थे जो फासिक व फाजिर थे, वो सच्चे थे, रावी सच्चे थे। उन्होंने यजीद के एक एक करतूत को बयान किया और सही सही बयान किया, कसमिया बयान किया। तो इमाम हम्बल ने फरमाया कि जो हम तक रिवायतें पहुंची, जो हम तक ये बातें आई, ये मुस्तनद है, चुनांचे हम इन बातों पर एतबार करके हम यजीद को काफिर कहेंगे। इमाम जौजी फरमाते यजीद को काफिर जरूर कहा जाएगा और हम बाज ना आएंगे यजीद को काफिर कहने से। तो एक तरफ इतने उलमा है, और बड़ी अजीब बात है, आपको बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं, इमाम गजाली को ये भावड़े मानते भी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं। अबू आलम मौदूदी अपनी किताब तजदीद अहया दीन में लिखता है कि इमाम गजाली के काम में तीन नुक्स थे। पहला नुक्स तसव्वुफ की तरफ डूबे हुए थे, दूसरा नुक्स इल्म हदीस में कमजोर थे, इल्म हदीस पे महारत नहीं थी उनको, और तीसरा नुक्स बयान करता है कि फलसफे यूनान के चक्कर में पड़े रहते थे। तो इमाम गजाली को नहीं मानते। अहले हदीस कहते हैं कि इमाम गजाली की हयाउल उलूम वो किताब है जो सिर्फ ज़ईफ और मुनकिर रिवायतों से भरी पड़ी है। तो ये जो इमाम गजाली की कल तक बुराइयां करते थे, उनके कामों में नुक्स निकालते थे, इनके अब्बा हुजूर के लिए कुछ मिला तो इमाम गजाली की पनाह में आ गए। तो बेटा इतना ही, अगर इमाम गजाली को मानने का शौक है बेटा नाइक, तो ऐसा करो इमाम गजाली की मैं हैलूम से कॉल मां सुनाता हूँ वो भी मान लो। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब अत्तहियात में बैठो और दुरूद पढ़ो और जब कहो अस्सलाम अलैका अय्युन नबी, तो ये तसव्वुर करो गोया तू नबी के सामने बैठा है, नबी तेरे सामने मौजूद है, ये तो शिर्क है तुम्हारे यहाँ। वही इमाम गजाली फरमाते जब तुम अपने घरों में जाओ, तुम्हारे घर खाली हो, तो तुम जैसी घर में दाखिल हो कहो अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, के अल्लाह के नबी की रूह हर मोमिन के घर में होती है। यहाँ इमाम गजाली नहीं मिलेंगे, यहाँ शिर्क। इनके नज़दीक तो इमाम गजाली भी मोमिन नहीं है, इमाम गजाली के खिलाफ किताबें तक लिखी है इन लोगों ने, मगर इनके अब्बा का एक थोड़ा सा पहलू मिला, अरे आ जाओ पकड़ लिया इमाम गजाली का दामन, वरना यह वक्त आने पे तो बड़ों बड़ों का दामन ना पकड़े। तो ऐसी तोहीन है इमाम गजाली के बारे में, इनकी किताबों में कभी वक्त मौका मिला तो इस पर मुस्तकिल फिर बयान मैं करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأن لك قد خلقت كما تشاء.